साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं कौशाम्बी। आज हम आए हैं नवरात्रि के मौके पे, नवरात्रि के पावन पर्व पे। आज हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं नवरात्रि को लेकर। माँ दुर्गा की पूजा होती है इस दिन, तो लोगों से बात करते हैं कि माँ दुर्गा की पूजन को लेकर लोगों की क्या तैयारियाँ चल रही हैं। नवरात्रि को लेकर आपकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं? पहले दिन में आप क्या क्या खरीदेंगी, क्या क्या आप खरीद चुकी हैं, जो भी चीज़ें आपने खरीदी हैं प्लीज़ बताइए। अभी तो हमने फल फ्रूट खरीदते हुए आए हैं, अब जा रहे हैं, जो सामान लगा हुआ है पूजा का वो सब खरीदेंगे, चूड़ी बिंदी सुहाग का सारा सामान, चुनरी वगैरह सब कुछ। और आप पहला सारे नौ व्रत रखेंगे? सारा तो पॉसिबल नहीं है, पहला और आखिरी रखेंगे। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए कि क्या क्या फलहार आपने क्या क्या खाती हैं, क्या क्या वो फलहार में जैसे मखाने हैं, केला सेब संतरा जो भी फल फ्रूट जो भी मिल जाए। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर रंजना मिश्रा जी। आप बताइए कि आपकी नवरात्रि को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं? बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं, जैसे मैंने हवन का सामान लिया है, व्रत के खाने का सामान लिया है, और अभी नौवें दिन हम कन्या पूजा करते हैं, तो उनके लिए बच्चों के लिए लड़कियों के लिए और इनके लिए गिफ्ट खरीदते हैं कि उनको दिया जाए, और ये एक प्रवृत्ति है देने की, तो वो देने के लिए हम सब लेते हैं, इसलिए नहीं कि पुण्य मिले, इसी बहाने हम बच्चों को दे पाएँ, लड़कियों को दे पाएँ और लड़कों को दे पाएँ। कलश पूजन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले दिन नवरात्रि के पहले दिन कलश का पूजन किया जाता है, वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कलश का पूजन हम आह्वान करते हैं पानी देकर भगवान को, और कभी भी जब आपके घर भी कोई आते हैं तो आप पानी देते हैं, तो हम कलश में भी उसी तरह शुद्ध पानी रखकर भगवान को का आह्वान करते हैं, माता जी का, और इसीलिए मेन कलश है और कलश के लिए ही हम उनको रखते हैं। तो आपने क्या क्या खरीदा है उसको नवरात्रि को लेके, क्या क्या सामान आपने खरीद लिया? हमने सारा व्रत का सामान लिया, हवन करने का हवन करने की सामग्री ली, और उसके लिए हमने जटामासी गेहूँ और जो भी उसका पूजा होता है, और नौ ग्रह का भी सामान लिया है, तो वो सब मैंने खरीदा। और आपके सारे व्रत रहेंगे, नौ व्रत आप पूरा रखते हैं? व्रत हम करते हैं क्योंकि इससे एक डिसिप्लिन एक अनुशासन रहता है और अपने हेल्थ के लिए भी ये जरूरी है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नवरात्रि जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रि चल रही है, तो आपको की नवरात्रि को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही है? बम्पर तैयारी करनी पड़ती है, नए नए डिजाइन, नए नए सूट, नए नए चीज़ें लानी पड़ती हैं, इसलिए कस्टमर नवरात्रि से शुभ मानता है, तमाम तरीके खरीदारी करता है, हर टाइप के कस्टमर आते हैं। वैरायटी आपकी शुरुआत कैसे होती है नवरात्रि का पहला दिन, तो उस तरीके आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? आदमी को नेक दिल होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है, चाहे नवरात्रि हो चाहे नवरात्रि के आगे हो चाहे पीछे हो, वो हमेशा के लिए है। आप नौ पूरे व्रत रखते हैं? नहीं, व्रत एक भी नहीं रहते। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और इसके बारे में बताइए कि क्या क्या खरीदा है और क्या क्या लगाया है, क्या मिष्ठान है आपके पास रखने के लिए? नवरात्रि में हमारे पास भक्तों की, तो पहले बात तो मैं आपको बता दूं, भूतनाथ मंदिर में ये शाम्भवी पूजन भंडार है और यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ मरती है, और इस भीड़ में भक्तजन क्या चाहते हैं, माता क्या खाती है, माता को बस भक्तों का प्रेम और साथ साथ ये प्रसाद चाहिए। यहाँ पर बजरंगबली भगवान भी हैं, तो वहाँ पर बेसन के लड्डू चढ़ते हैं और माता के लिए बर्फी होती है हमारे पास, तो उसके साथ साथ प्रसाद, ये तो रही प्रसाद की बात जो कि बहुत ही सात्विकता के साथ आप सबके लिए पेश करते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास चुन्नियाँ भी हैं माता की, जो माता बहुत प्रसन्न होती हैं चुन्नियाँ देखकर। तो ये लाल लाल चुन्नियाँ देख रहे हैं आप, लाल पीली
और गुलाबी अलग अलग रंग की चुन्नियाँ हैं जो कि माता के ऊपर चढ़ती हैं, और तमाम भक्तजन यहाँ सर चुन्नियाँ ले जाते हैं और माता के ऊपर चढ़ाते हैं और अपने हाथों को जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं, और यहाँ पर माता का आशीर्वाद हवा में खुशबू की तरह फैल जाता है। तो आप सभी जो भी लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं, आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि माता बहुत सारा आशीर्वाद आपको इस माध्यम से भी देने वाली है, यानी कि टेलीविजन के उस पार। चलिए, थैंक यू सो मच। सामान खरीदते हैं और पूजा का सामान खरीद करके कलश और बाजार में जाकर जितने भी पूजा की चीज़ें होती हैं वो सब इकट्ठा करते हैं, फिर घर जाकर माता की मूर्ति सजाते हैं, घर जाकर उनका स्थान स्वच्छ करते हैं, उन्हें चुनरी चढ़ाते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं, जौ लगाते हैं जो कि हमारे 9 दिन तक जौ बहुत शुभ माने जाते हैं, और उसके साथ साथ माता को प्रसाद चढ़ाते हैं, कन्याओं के लिए चीज़ें इकट्ठा करते हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग भी होता है, साथ में ये वो समय होता है जब आप भक्ति में पूरी तरह से डूब जाएं, माता के प्यार में पूरी तरह से डूब जाएं, क्योंकि नवरात्रों में माता खुद धरती पर आती हैं ऐसा कहा जाता है। तो नवरात्रों में जब माता धरती पर आती हैं तो सभी भक्त झूम झूम कर नवरात्रि मनाते हैं, तो इसलिए सभी भक्तों को झूम झूम कर नवरात्रि का ये जो पर्व है इसकी तैयारियाँ करनी चाहिए और साथ साथ ये पर्व मनाना चाहिए। गीत माता के लिए, माता के तो बहुत सारे गीत हैं, मैं गाती हूँ। मैं बालक तू माता शेरवाली है अटूट ये नाता शेरवाली हो, मैं बालक तू माता शेरवाली है अटूट ये नाता शेरवाली, जोतवाली माँ लाटवाली माँ मेहरावाली माँ जोतवाली माँ। तैयारियाँ तो अभी से स्टार्ट हो गई हैं, और पहले दिन कलश स्थापना है, चौकी लगाते हैं माता की, कलश स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, धूप दीप धूप और सब कुछ, अच्छत चावल फल फूल मेवा मिष्ठान जो भी उपलब्ध हो उससे माता की पूजा करते हैं, और 9 दिन घर में व्रत होता है, पूजन होता है, और शाम को सब फलाहार करते हैं डेली, और माता को ऐसी पूजन करते हैं, उसके बाद माता की विदाई करते हैं और माता के जयकारे जय माता दी। सब श्रद्धा का त्यौहार है और माता का आवाहन करते हैं और 9 दिन उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, फिर 9 दिन बाद उनकी विदाई करते हैं और भोग चढ़ाते हैं, और हम लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को यथासंभव दान दक्षिणा दिया जाता है, पंडित जी आते हैं हवन पूजन करते हैं, पंडित जी को हम लोग पूजते हैं, उनकी विदाई करते हैं, माता की विदाई करते हैं, बाकी चाहते हैं कि माता आएं, और हम लोगों का तो ठीक है, बच्चों को आशीर्वाद दें घर में, हम लोग के घर में जो भी परेशानियां हैं वो माता के आने से सब पूर्ण हो, जो भी माता की तैयारी है, माता का मतलब हम लोग बहुत वो सोचते हैं कि अच्छी तरह हमें माता सबके दरबार में, मंदिर साफ करते हैं, चुनरी लेते हैं, प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद हम लोग ज़्यादातर घर पर ही बनाते हैं माता जी का, और उसके दिया कपूर सब लेके बस तैयारी करते हैं, 9 दिन का माता का श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं, माता की चुनरी लिया है, फूल माला और धूप बत्ती लेते हैं, फूल बत्ती बनाते हैं और घी के दीपक जलाते हैं, और गरी के प्रसाद होते हैं, मेवे के प्रसाद होते हैं हम लोग में, कलश रखते हैं और उसके ऊपर जो है मिट्टी के जो है जौ, मिट्टी के उसमें जौ लगाते हैं, और उसके बाद जो है 9 दिन दीपक जलते हैं हम लोग दोनों टाइप में, और कपूर और पान से आरती होती है। नवरात्र जैसे आ रही हो तो हम लोग पूरी तैयारी करते हैं, हम लोग पूरा मंदिर सजाते हैं, पूरा माता जी की चुनरी खरीदते हैं, सब तैयारी करते हैं, और कलश स्थापना करते हैं, जौ लगाते हैं, और पूरे 9 दिन बहुत श्रद्धा से हम लोग माता की भक्ति करते हैं, तो वही पूरी बस तैयारियाँ चल रही हैं, सब त्यौहार मतलब माता का बहुत अच्छे से हम लोग पूरा त्यौहार मनाते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से। भोग में हम लोग मतलब मेवा वेवा बनाते हैं, वो पागते हैं उसको, और मतलब मिठाइयाँ होती हैं, फल होते हैं, सब चढ़ाते हैं, नारियल जो मतलब जो भी श्रद्धा के अनुसार आप चढ़ाना चाहें सब चढ़ाते हैं हम लोग, और हर 9 दिन ऐसे ही होता है, रोज़ सुबह शाम पूजा होती है, घी का दिया जलता है, और पान और कपूर से आरतियाँ करते हैं हम लोग, तो बस वही बस तैयारियां चल रही हैं। सुबह हम लोग मतलब पूरा मंदिर वंदिर साफ़ करके कलश रखते हैं, फिर उसमें जौ लगाते हैं,
और मतलब कलश में गंगा जल बाकी सारी चीज़ें डाल के चावल अवल अक्षत वगैरह डाल के हम लोग वो स्थापना करते हैं, फल चढ़ाते हैं माता जी पे, और मतलब वही पूजा आरती आरती होती है। हम लोग तो पूरा आरती 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 करते हैं और वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं यही बस, और मतलब आरतियाँ करते हैं बस। आपने क्या क्या खरीद लिया और क्या किस किस चीज़ों का आपने किस चीज़ का पूजन करना है आप बताइए ज़रा। देवी जी का पूजन होता है मेनली हमारे घर में, तो हमारे यहाँ कलश रखा जाता है, कलश की स्थापना रखी जाती है, तो प्रॉपर एक जगह बनाई गई है जहाँ पे कलश की स्थापना करेंगे हम लोग, और मिट्टी के बर्तन ले लिए हैं जिसमें हम लोग बालू करते हैं और उसमें जौ भिगोते हैं, और देवी जी के कपड़े ले लिए हैं, चुनरी ले ली है और उनके सिंदूर। कन्या जो खिलाई जाती है उसके आप खिलाती हैं? जी हमारे यहाँ खिलाई जाती है। तो उसके बारे में क्या कैसे पूजन होता है उसका कुछ उसके बारे में भी बताइए। वो हमारे यहाँ आठवें दिन होता है, अष्टमी के दिन होता है, तो मेनली 9 लड़कियाँ आती हैं हमारे यहाँ पे, तो वही उनको चुनरी दी जाती है, सिंदूर लगाया जाता है, बर्तन दिए जाते हैं, पूड़ी हलवा खिलाया जाता है, तो वही सब तैयारियाँ हो रही है और अभी तो थोड़ी स्टार्ट की है, आज मंडे है और 2 दिन है तो और करनी है अभी, तो चलिए ठीक है, बहुत चलती रहेंगी। चलिए ठीक है, पूरी नवरात्रि चलती रहती है। ठीक है, थैंक यू। आज ही से हम लोग ने शुरू कर दिया, घर में चौकी धोनी, सफाइयाँ करनी है, पर्दे धोने, मंदिर पूरा सजाना, फिर यहाँ से आना मंदिर में सामान लेके जाना, और पूरी अच्छी तरह ताकि परसों हम लोग अपनी जोत तैयार करके जला दें और फिर माँ को भोग लगाएं। पहले गणपति जी को बिठाएंगे, गणपति जी को बिठा के फिर माँ का करेंगे, फिर बाबा का आह्वान करेंगे, करके इसी तरह 8 दिन हमारे सुबह शाम तीनों समय हम लोग आरती करते हैं, तीनों समय हम पूजा करते हैं और बड़ी खुशी होती है। और इधर मंदिर में भी कोई मंदिर कहता है तो कहते हैं साड़ी दे दो तो हम लोग साड़ी चढ़ा देते हैं, कोई चुनरी कहता है चुनरी चढ़ा देते हैं, बड़े खुशी से मनाते हैं, जो भी देते हैं हो या ना हो बड़ा खुश से हम लोग देते ही रहते हैं और चढ़ाते हैं। हम लोग वो कोई कुछ कुछ स्टील के बर्तन खरीद लाएंगे या चुनरी खरीद के लाएंगे, कुछ ना कुछ 9 चीज़ें खरीद के लाएंगे। और उधर हम लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं, हम लोग अष्टमी करते हैं। अष्टमी में अपने घर में हम हलवा पूरी चने सब्जी कद्दू की आलू की बनाएंगे, बच्चे खुश हो खाते हैं, खिला के उनको हाथ जोड़ के वो लोग हमें आशीर्वाद देती हैं, फिर हम उनको भेंट देते हैं, भेंट दे के फिर उनको विदा करते हैं उनके पैरों में। नवरात्र शुरू होने वाले हैं बुधवार से, पहला नवरात्रा है, तो माता का कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना होती है, जौ बीजे जाते हैं और माँ को भोग लगाया जाता है पूरे 9 दिन, है ना। कुछ लोग पहला व्रत रखते हैं, कुछ आखिरी रखते हैं, और हम तो यहाँ नहीं कर पा रहे हैं लखनऊ में, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं तो नवरात्र के 52वें दिन पे ही हम निकल रहे हैं बुधवार को दिल्ली के लिए। आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, आप कुछ बताएं उसके बारे में। अभी तो मैं जस्ट पूजा पाठ के सामान ही लेने के लिए हूँ, माँ भगवती का स्वागत करना है बहुत अच्छे से, और फिर हमारा राष्ट्र हिंदू है इसको प्रमोट करना है। माँ भगवती, मेरा सबसे अनुरोध है कि माँ भगवती का अच्छे से पूजा करें। को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं और क्या आप मतलब नवरात्रि को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? नवरात्रि को लेकर कहेंगे मैया को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए नया साल लेकर आए, हमारे को अच्छा रखें, सारे संसार को बढ़िया रखें, माँ बाप जो हैं हम उनकी सेवा करते रहें, हमको ज्ञान दे के जाएँ, और जो भी है जब विदा हूँ तो उनको आशीर्वाद साथ में दे के जाएँ, बस इतनी सी बात है। अभी देखिए बेटा, कन्या जो है सबसे बड़ा धन माँ बाप का है ना, एक कन्या से कितनी कन्या और कितने पुत्र हो सकते हैं ये किसी को नहीं जानना। जी जी, चलिए ठीक है। तो दुर्गा जी का पूजन होता है इस दिन, तो क्या आपका व्रत रहता है? नहीं तो बेटा, दुर्गा जी का नहीं होता है, जितने जिन जो जो दिन होते हैं वो दुर्गा का नाम है, जितने
उनकी पूजा होती है, आखिरी में तो काली मैया की होती है। क्या तैयारियाँ चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ बताइए हमको। घर की साफ सफाई, पूजा की तैयारियाँ, अभी सारी बहुत ढेर सारी तैयारियाँ करनी होती हैं, फूल, उनको माता जी को भोग लगाना, कलश चुनरी एंड ड्राई फ्रूट्स के भोग लगते हैं, फ्रूट्स खरीदना, यही सब, घर की साफ सफाई, दैट्स इट। तो आपके सारे व्रत हैं 9 दिन के जितने? नहीं नहीं नहीं, चढ़ती उतरती। तो क्या क्या खरीद लिया है आपने अभी तक? अभी स्टार्टिंग है फूलों से, मंदिर की सफाई अभी चल रही है। ठीक है, तैयारियाँ चल रही, क्या क्या आपने सामान खरीद लिया है, क्या बचा है आप बताइए। अभी हमें कलश खरीदना है और वो जिसमें हम जॉब होते हैं वो लेती हूँ, और माता की चौकी बिठाती हूँ, व्रत रहती हूँ, दो कन्या करते हैं सप्तमी वाले दिन। आप सारे व्रत रखती हैं कि? आप सारे नहीं रखते, आप दो ही रखते, पहले सारे रखते थे, अब नहीं रखते। कन्या खिलाती हैं तो उसमें क्या क्या आप पूजा करके लोग क्या क्या खिलाती हैं? हलवा, बाकी कुछ रुपए, फल फ्रूट ऐसे सबको देते हैं, सात कन्या बुलाते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि लोगों ने नवरात्रि को लेकर उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या खरीदा है लोगों ने, और क्या क्या इंसान लोग चढ़ाएंगे, क्या पूजा से सामग्री उन्होंने खरीदी है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नीरज के साथ प्राइम टीवी लखनऊ। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।